पानी की बोतल। हाँ भाई गुड इवनिंग राधे राधे। प्रश्न लेकर के चल रहे थे अपन और अपन ने बहुत सारे प्रश्न जो है अभी तक सॉल्व भी कर दिए, अच्छे खासे चल रहे थे। पर आपको प्रश्नों के अतिरिक्त भी कुछ क्लासेस जो है ना थ्योरी की भी अब मिलने लग गई है, मतलब ऐसे थ्योरी की क्लासेस आपके पास में रेगुलर आती रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग विषय की। जैसे मैंने कहा है आपको कि मैं अप्रैल के महीने के अंदर अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल के अंदर अंदर आपके शिक्षण विधियों की चीज़ जो है ना 100% कंप्लीट हो जाए। मतलब शिक्षण विधियों का तो कुछ भी नहीं बचे, पूरा का पूरा मैं शिक्षण विधियों का कंप्लीट कहाँ करवा दूंगा आपके इस अप्रैल के महीने के अंतर्गत करवा दूंगा दोस्तों। केवल आप साथ बने हुए रहिए, बस न्यूज़ अपनी तरफ से देखते रहना कि कितने बजे कौन सी क्लास आ रही है और कौन सी क्लास नहीं आ रही है। आप लाइव नहीं आ सकते तो बाद में आकर के भी देख लेना, लेकिन देख लेना। मैं 3 क्लासेस तो कम से कम प्रतिदिन देने की कोशिश कर ही रहा हूँ इसके समेत, और कोशिश करेंगे कि और ये क्लासेस धीरे धीरे बढ़ जाए आपकी। टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक का डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ा थोड़ी स्पीड से रहा हूँ, है ना। दूसरों की तरह धीरे 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 आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि सीसी पढ़ाया तो मैं 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक सीसी को खींचते जा रहा हूँ। जो मैटर है कंटेंट जितना रेट में आता है, जितनी स्पीड से तेज गति से मैं आपको दे पा रहा हूँ ना, उतनी तेज गति से मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। आज जो अपन चलेंगे दोस्तों 1151 से लेकर के 1200 तक के प्रश्न आज अपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों। 1200 प्रश्नों का सफर आज अपन यहाँ पे पूरा कर देंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आज का पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाना उपयुक्त, पाठशाला में उपयुक्त किया जाता है, यह उपयुक्त कथन है। इसने एक प्रकार की आपसे परिभाषाएं पूछ ली है। ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है, कि प्रोजेक्ट जो है आपके यथार्थ जीवन का, जो जीवन आप जीते हो उस जीवन का एक भाग है, एक अंग है जो केवल पाठशाला में प्रदान किया जाता है। यह कथन, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, पार्कर, बेलार्ड, किलपैट्रिक या जॉन डीवी? दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड भले किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये जो परिभाषा दी गई है ना दोस्तों बेलार्ड के द्वारा दी गई है। दोस्तों किसके द्वारा दी गई है, ये जो परिभाषा दी गई है ना दोस्तों बेलार्ड के द्वारा दी गई है। या जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी। भाई क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका, बी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो परिभाषा दी गई ना किसके द्वारा दी गई है, बेलार्ड के द्वारा दी गई है, बी यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, श्यामपट उपयोगी साधन है, श्यामपट उपयोगी साधन है शिक्षण का, प्रयोगशाला का, मौखिक कार्य का या क्रियात्मक कार्य का? देखो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस प्रश्न को करने में बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है, क्योंकि ये पूछ रहा है श्यामपट उपयोगी साधन है। श्यामपट किसका उपयोगी साधन है, शिक्षण का, प्रयोगशाला का, मौखिक कार्य का या क्रियात्मक कार्य का? अब श्यामपट पर अपन कार्य करते ना, इसीलिए अधिकतर लोग इस क्रियात्मक कार्य को क्या करेगा, सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सही नहीं होगा दोस्तों। श्यामपट उपयोगी साधन है, श्यामपट किस में उपयोग करते हैं, श्यामपट शिक्षक का एक अभिन्न, शिक्षक का एक मित्र है, इसका शिक्षण के दौरान सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। शिक्षण जो है इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सर्वाधिक शिक्षण में किया जाता है, शिक्षण जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो श्यामपट उपयोगी साधन है, तो श्यामपट शिक्षण का उपयोगी साधन है, ये तीनों कदापि नहीं होंगे दोस्तों, ये तीनों उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। शिक्षण जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर श्यामपट का उपयोगी साधन है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्वोत्तम साधन है, यानी कि कक्षा के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते यदि उसके पास में रियल फैक्ट नहीं है, वास्तविक पदार्थ नहीं है, तो वास्तविक पदार्थ के स्थान पर वो किसका प्रयोग करें कि जो है ना ये सर्वोत्तम साधन के रूप में काम आए? तो श्यामपट का, मॉडल का, रेखा चित्र का या ग्राफ का? दोस्तों देखो एक तो वास्तविक चीज होती है, यदि वास्तविक चीज नहीं है तो वास्तविक चीज के स्थान पर यदि आपको कोई दूसरी चीज उपयोग करनी है ना, तो वास्तविक चीज के बाद में यदि कोई अच्छी चीज होती है तो वो होती है आपकी मॉडल। दोस्तों मॉडल के बाद में आता है आपका प्रदर्शन, ना प्रदर्शन के बाद में आता है आपका चित्र। तो ये जो है ना सबसे पहले यदि वास्तविक पदार्थ नहीं है, तो वास्तविक पदार्थ नहीं है तो वास्तविक पदार्थ से जो दूसरे नंबर की जो सर्वोत्तम चीज आती है ना दोस्तों वो आता है आपका मॉडल, ये ग्राफ, रेखा चित्र बहुत बाद की बात है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस वक्त सर्वोत्तम साधन है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो वहां पे सबसे बढ़िया तरीका टीचर के पास में मिल जाएगा मॉडल। दोस्तों मॉडल का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा आपको, मिल जाएगा भाई, ये दीजिए इसका जो सही आंसर होगा ना बी।
आप लोग कहते हुए गुरु जी वहाँ राइट लगा करके मत भेजो, मैं पता नहीं चलेगा ना, आपके पास पीडीएफ ऐसी आएगी जहाँ मैं आंसर ये साइड में लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ से आप कलेक्ट कर लेगा, बी जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आपने अलग अलग लिखने बैठो को इसका आंसर अलग भेजो ना, आपको सिंपल पीडीएफ अलग भेजो तो उसका क्या हो जाएगा, मेरी दिक्कत हो जाती है भाई। तो समय भी की अपनी सीमा है, आपको बढ़ाने के लिए चार चार पाँच पाँच क्लास की ऐसी पीपीटी बनानी पड़ती है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, मैटर देना पड़ता है, फिर चार चार क्लासें लेनी भी पड़ती हैं, फिर मैं उसका आंसर लिख करके डालू तो मेरा पूरा दिन इसी में चला जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ना आपको जो मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, बस उसका उत्तर क्या करूँगा मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको साइड में लिख दूंगा, तो आप हाथ से छुपा करके भी देख सकते हो इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, ये कह रहा है सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है जिसमें सर्वाधिक प्रभाव है। देखिए प्रेक्षपित या अप्रेक्षपित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव या तकनीक आधारित। दोस्तों ये प्रक्षेपित अपने प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित अपने जगह पे सही है, श्रव्य दृश्य भी अपने जगह पे सही है, तकनीकी के आधार पर भी सही है, लेकिन आपने पता है आपको एडगर डेल का आपने पढ़ा होगा, उसने सर्वाधिक महत्व तो प्रत्यक्ष अनुभव को दिया है कि सर्वाधिक प्रभावी सामग्री यदि कोई है तो वो कौन सी है आपकी प्रत्यक्ष अनुभव। इसलिए उसने वो शंकु का जो आकार लिया था ना उसमें अंत में जो सामग्री लिखी थी इसने प्रत्यक्ष अनुभव लिखा था दोस्तों, वहां पे लिखा हुआ था संग्रहालय ले जाना, वृत्त चित्र देखने के लिए लेकर के जाना, भ्रमण करने के लिए लेकर के जाना, तो वो जो आधार के अंदर जो था ना वो क्या थी सबसे प्रभावित सामग्री थी। अब ये कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, बिल्कुल सी उत्तर सही हो जाएगा इसका, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव जो होगी वो क्या होगी भाई आपके, बिल्कुल सी इसका क्या हो जाएगा आपके सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अनुभाविक साक्ष्य के संबंध में, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया आपको ना, अनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही कथन है। अनुभाविक साक्ष्य क्या होता है इसका मैंने थ्योरी क्लास के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है ना, इसलिए अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अनुभाविक साक्ष्य मैंने पूरा का पूरा आपको समझा रखा है। अनुभव के द्वारा जो साक्ष्य, अनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही कथन है, यह प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित है, यह प्रेक्षक के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते बशर्ते प्रयोग पर आधारित हो, यह किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं उपयुक्त सभी। देखो ये कह रहा है कि अनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही कथन पूछा इसने कि अनुभाविक साक्ष्य के कथन में सही कथन कौन सा है। पहला पढ़िए, यह प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित है, नहीं है ये प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित नहीं है दोस्तों, ये आपके अवलोकन के अनुभवों पर आधारित है, आप कितना अनुभव करोगे अवलोकन के द्वारा कितना सीखोगे उसके ऊपर आधारित है, ये तो इसका नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा है यह प्रेक्षक के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते बशर्ते प्रयोग पर आधारित हो। अब ये क्या कह रहा है, निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित है, ये निष्कर्ष नहीं, इसके द्वारा तो निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उन पर आधारित नहीं है दोस्तों, प्रयोग भले हो सकता है लेकिन निष्कर्ष और प्रेक्षणों पर आधारित ये नहीं है। ये कह रहा है प्रेक्षक के पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व के दोष, पूर्व के समय में जो दोष रह गए होंगे, पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते, मतलब अनुभाविक साक्ष्य जो है ना आपके पहले के यदि कोई दोष है तो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, बस एक शर्त है कि प्रयोग पर आधारित होने चाहिए, यह थोड़ा बहुत सही लग रहा है। यह किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, यह किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी सही है इसके लिए, तो इसका ऑप्शन मेरा उपरोक्त कथन सही दे रखा है। अब उपरोक्त सभी को अपन सही नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत हो गया, अब इन दोनों में से अपन को एक सही निकालना पड़ेगा, ज्यादा वेटेज देखना पड़ेगा कि सही कौन सा है, है ना। अब देख रहा है कि प्रेक्षक के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होता बेशर्त प्रयोग पर आधारित हो, ये भी सही है, जो किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, ये एक अंग है, ये कह रहा है पूर्वाग्रह को प्रभावित नहीं होते बेशर्त प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, इस ऑप्शन से इस ऑप्शन का वेटेज अपन को थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए अपन को सही क्यों करना पड़ेगा ना, बी सही करना पड़ेगा दोस्तों, सी नहीं होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक यदि गलत हो गया ना इसका मतलब उपयुक्त सभी को अपन सही नहीं कर सकते, ये भी हल्का उनका सही है, सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों, लेकिन इससे ज्यादा ये वाला सही है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपके। थ्योरी पढ़ लेना यदि प्रच्छा आपको समझ में नहीं है तो वहां पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। प्रच्छा उपागम आधारित है, प्रच्छा का जो उपागम आपने पढ़ा था, प्रच्छा प्रशिक्षण आईडीएम जो अपने पढ़ा था किसके ऊपर आधारित है, सृजनात्मक अनुसंधान, सकारात्मक अनुसंधान, नकारात्मक अनुसंधान, ये उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, मुझे पढ़ाते हुए भी कहा था क्योंकि इसके अंदर सृजन किया जाता है, सकारात्मक नकारात्मक अनुसंधान पर आधारित नहीं है, ये मैंने आपको जो प्रच्छा पढ़ाया तब भी बोल दिया था कि ये सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, ये एक प्रकार की आगमनात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, कौन सा ये प्रच्छा जो है ना एक प्रकार की आपके आगमनात्मक प्रक्रिया है जो सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, इसमें नई चीजें को सृजन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना आपका क्या हो जाएगा भाई, ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रिचर्ड सचमैन का मॉडल है दोस्तों,
रिचर्ड सचमैन का मॉडल है, आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों या दोनों नहीं। इस रिचर्ड सचमैन ने इसको दिया था आपके परीक्षा, परीक्षा का जो प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो परीक्षा का प्रतिमान जो है ना दोस्तों इस रिचर्ड सचमैन के द्वारा ही दिया गया है। और रिचर्ड सचमैन की जो परीक्षा का प्रतिमान है ना दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको, ये आगमनात्मक है या निगमनात्मक नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का आगमनात्मक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा भाई, आपके ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया प्रचार प्रशिक्षण प्रतिमान किस पर आधारित, आगमनात्मक है भाई, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रचार का प्रारंभ हुआ था, प्रचार का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1962 में, 1965 में, 1966 में या 1976 में। तो दोस्तों प्रचा का प्रतिमान जो रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया था, वो रिचर्ड सचमैन ने, रिचर्ड सचमैन के द्वारा जो दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 1962 के अंतर्गत। 1962 में इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था इसका प्रारंभ, कहाँ हुआ था, अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ था। तो रिचर्ड सचमैन ने प्रचा प्रशिक्षण ITM इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो कब किया था, प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 1962 में हुआ था। ए जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह भाषा का प्रयोग करता है, चिंतनशील है, हाथों का प्रयोग करता है या पैरों से चलता है। ये दोनों तो कार्ड तो नहीं होंगे भाई, इन दोनों में से भाई मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह भाषा का प्रयोग करता है। क्या जानवर भाषा का प्रयोग नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो मौखिक रूप में बोलने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका उनका होता है, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। तो भाषा का मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए नहीं कि वो भाषा का प्रयोग करता है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि वो क्या है, चिंतनशील है। मनुष्य के अंदर एक ताकत पाई जाती है जो पशुओं के अंदर नहीं होती है, अन्य प्राणियों के अंदर नहीं होती है, वो होती है चिंतन करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता। जितनी मनुष्य के अंदर है ना वो दूसरों के अंदर नहीं, वो हर एक समस्या का समाधान टेक्निकली तरीके से निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना आपका क्या हो जाएगा, चिंतन, जो चिंतनशील है, इसी वजह से वो मनुष्य क्या है, प्राणियों में अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना आपका क्या हो जाएगा, बी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा आपके सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है, उच्चतम प्रकार का चिंतन, उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ चिंतन किसको माना जाएगा, सबसे अच्छा चिंतन किसको माना जा सकता है, तार्किक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, निर्देशित चिंतन या परावर्तित चिंतन। देखो उच्चतम प्रकार का मतलब क्या होता है, हाई क्वालिटी का, सबसे ज्यादा चिंतन मनुष्य कब करता है, जब कल्पना करता है तब, या कोई इसको निर्देश दे दे कि नहीं तुझे अभी इस चीज के ऊपर आप विचार कीजिए तब, या परावर्तित समय समय पर वो चेंज होता रहता है तब, या जब वो तर्क करता है तब। दोस्तों परावर्तित भी इतना उच्चतम लेवल का नहीं होता, किसी ने आपको कह दिया कि इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आपकी इच्छा है, यदि आपके लिए वो पॉजिटिव होगा तो आप करोगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करोगे, इतना उच्चतम नहीं हो सकता दोस्तों। और काल्पनिक चिंतन तो होता नहीं है, कल्पना, काल्पनिक चिंतन का उच्चतम स्तर का नहीं होता, सबसे निम्न स्तर का होता है काल्पनिक चिंतन दोस्तों। तो काल्पनिक चिंतन नहीं हो सकता, सही उत्तर जो होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तार्किक चिंतन, सबसे उच्चतम प्रकार का जो चिंतन होता है ना वो होता है आपका तार्किक चिंतन। यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा, सबसे उच्चतम प्रकार का चिंतन जो होता है वो कौन सा होता है, तार्किक चिंतन। ये देखिए अगला प्रश्न, सामान्य विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, सामान्य विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, विद्यालयों में जो सामान्य विज्ञान पढ़ाई जाती है उस सामान्य विज्ञान का उद्देश्य क्या क्या है, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, जीविकोपार्जन या उपयुक्त सभी। देखो अनुशासनात्मक तो है, विज्ञान सबसे एक नंबर अनुशासन पर चलता है, क्योंकि विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, नियम और सिद्धांतों पर चलने वाला है, और जो विषय नियम और सिद्धांतों पर चलेगा मतलब उसके अंदर अनुशासन तो होंगे, ये तो सही है इसका। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, बिल्कुल होता है, सब विषय सांस्कृतिक मूल्यों में थोड़ा थोड़ा योगदान देती है, ऐसा कोई विषय नहीं है ना जिसे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास नहीं होता हो। जीविकोपार्जन तो सही है, विज्ञान ने तो भी सबसे ज्यादा जीविकोपार्जन की यदि किसी के अंदर संभावनाएं है तो वो विज्ञान के अंदर ही है, यहाँ से लोग अपना जीविकोपार्जन, अपना व्यापार व्यवसाय चला सकते हैं, यहाँ से दो पैसे कमा सकते हैं, तो जीविकोपार्जन भी होगा। तो तीनों यदि सही हो रहे हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका, डी उपयुक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है ना भाई तीनों के तीनों है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सी वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, निम्न में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभिवृत्ति का मतलब ही दृष्टिकोण ही होता है। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा, क्यों नहीं भाई, जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने की इच्छा, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भाई, ये बिल्कुल सही है। बौद्धिक ईमानदारी, अपने स्वयं के साथ में बुद्धि के साथ में ईमानदारी रखना, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कारण व प्रभाव संबंध में विश्वास, बिल्कुल, किस पे सीखने पर आपका कितना प्रभाव पड़ा और किस कारण की वजह से पड़ा, प्रभाव क्यों पड़ा, यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अंधविश्वास में विश्वास करना, वैज्ञानिक कभी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता दोस्तों, अंधविश्वास हमेशा विज्ञान क्या रहा है, इसका खिलाफ रहा है। तो डी जो होगा ना यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तीनों जो प्रकृति है ना दोस्तों, ये कौन सी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली है, जो अंध वाली है ना ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ये अभिक्रमित अनुदेशन वही मशीन है जो स्किनर ने दी थी, है ना, स्किनर ने किसके आधार पर दी थी, तो सुकरात की प्रश्नोत्तर प्रणाली के आधार पर बनाई थी। सुकरात की प्रश्नोत्तर प्रणाली के आधार पर स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो मशीन है वह निम्न में से कौन सा सिद्धांत उसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। एक तो स्वगति का सिद्धांत, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, बड़े पदों का सिद्धांत, या तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप अभिक्रमित मशीन पर बैठ करके अध्ययन कर रहे हो ना, तो स्वगति का सिद्धांत उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रश्न आपके सामने, अब आपकी कितनी स्पीड है उसको समझने के लिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। तो स्वगति का सिद्धांत तो सही है। फिर आता है आपका तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, जैसे आपने उसके प्रश्न दिए और प्रश्न देते देते क्या हुआ, आपके सामने उत्तर आया, आपने तुरंत उसके ऊपर क्लिक किया, सही प्रश्न उत्तर अगर सही होगा तो प्रश्न आगे चला जाएगा, नहीं होगा तो वापस आपके सामने कंटेंट खुल जाएगा। ये प्रक्रिया जो चल रही है, क्या चल रही है, आपको तुरंत प्रतिपुष्टि मिल रही है कि आप सही हो या गलत है। बड़े पदों का सिद्धांत, इसको एक बार टिक करते हैं, तुरंत अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो 100% सही है। तो तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि आदमी तुरंत अनुक्रिया करता रहता है और बालक क्या रहता है उसके अंदर, तत्पर रहता है। तो ये तीनों सिद्धांत यदि सही है तो ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो सी क्या जा रहा है अपना, बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है, और सी यहाँ पे सही होगा। बड़े पदों का सिद्धांत नहीं होता है दोस्तों, लघु पदों का सिद्धांत यदि यहाँ पे होता तो लघु पदों का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, बड़ों पदों का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर माना जाएगा आपका, क्या माना जाएगा भाई, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, विज्ञान में क्या कह रहा है आपको, विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग पूरा करने के बाद सभी भौतिक अपशिष्ट को, आप विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर एक प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग आपका कंप्लीट हो गया, प्रयोग करने के बाद में जो भौतिक अपशिष्ट बचे हैं, मतलब जो खराब चीजें बच गई है उनको, प्रयोग करने के बाद में जो वेस्टेज चीजें बची हैं उसको आप क्या करोगे, ये प्रश्न पूछ रहा है, और सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, लेवल भले ही प्रश्न इजी है लेकिन प्रश्न सेकंड ग्रेड में हुआ है, कि अगली कक्षा के लिए अपनी टेबल पर छोड़ देना, क्या बची हुई सामग्री को आप अपने टेबल पर इसलिए छोड़ दोगे आगे वाली कक्षा वाले आएंगे जो साफ करते रहेंगे, या अगली कक्षा में जब भी हम आएंगे तो इसको सही कर देंगे। सिंक में फेंक देनी चाहिए, सिंक मतलब प्रयोगशाला में रखी जाने वाली एक सामग्री होती है जिसके अंदर जो भी प्रयोगशाला की बची हुई चीज होती ना वो उसके अंदर डाल दी जाती है, क्या सिंक में फेंक देनी चाहिए, या शिक्षक के निर्देशानुसार समाप्त कर देना चाहिए, या टीचर क्या कह रहा है, टीचर की जैसे भी उस चीज को लेकर के आपका निर्देश होगा, जैसा भी आपको आदेश होगा उसकी अनुपालना करते हुए आप कर दोगे, या घर पे ले जाना चाहिए। दोस्तों देखियो अगली कक्षा के लिए अपने टेबल पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि शिक्षण का एक सिद्धांत है, शिक्षण तो ये तक कहता है कि आप कक्षा छोड़ रहे हो ना तो शाम पट पर लिखा हुआ भी साफ कर दो, शाम पट पर लिखा हुआ भी नहीं रहना चाहिए। तो कक्षा छोड़ करके जा रहे तो टेबल पर आप चीज कैसे छोड़ करके जाओगे, ये तो 100% नहीं हो सकता दोस्तों। सिंक में फेंक देनी चाहिए, नहीं फेंकनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें से अनुपयोगी भले ही हो गई हो लेकिन उस अपशिष्ट में से कोई ऐसा उपयोगी पदार्थ हो जो नए प्रयोगों में काम आ जाए, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर कैसे ले जाओगे, घर पर नहीं ले जा सकते दोस्तों, विद्यालय की चीजें प्रयोगशाला की चीजें आप अपने घर पर कैसे ले जाओगे। शिक्षक के निर्देशानुसार समाप्त कर देना चाहिए, शिक्षक क्या कह रहा है इस चीज को आपको रखना है तो रखिए, शिक्षक कह रहा है सिंक में फेंकिए तो सिंक में फेंकिए, शिक्षक कह रहा है इसको संभाल के रखिए इसको वहां रखिए, जैसा टीचर आदेश करेगा वैसा आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी सही उत्तर हो जाएगा भाई, शिक्षक के निर्देशानुसार आप वहां पे क्या करोगे, प्रयोगशाला में बची हुई अपशिष्ट या भौतिक अपशिष्टों को क्या करना है, ये जैसा शिक्षक कहेगा ना वो करोगे, सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञान क्लब का उद्देश्य है, विज्ञान क्लब, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, विज्ञान का विकास करने के लिए जो विज्ञान क्लब प्रारंभ किया गया था जिसके अंदर विज्ञान की सारी गतिविधियां कराई गई थी, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अपनी रुचि तथा योग्यता को विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करना, विज्ञान के आविष्कारों से परिचित होना या उपयुक्त सभी। देखो आपको ऑप्शन पढ़ के लग गया होगा कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन समझना भी जरूरी है। बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विज्ञान क्लब चलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विज्ञान है मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अपनी रुचि तथा योग्यता को विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करना, बिल्कुल आपका जो भी इंटरेस्ट है और जो भी आप अपनी उपलब्धि रखते हो, जो भी आप अपनी योग्यता रखते हो, उसको आप किस तरफ ले जाओ, विज्ञान की तरफ ले जाओ, यह भी इसका उद्देश्य है। विज्ञान के आविष्कारों से परिचित होना, विज्ञान ने कौन कौन से आविष्कार किए उसका परिचित होना, बिल्कुल ये विज्ञान क्लब जो चलता है ना दोस्तों, इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करता है, ये तीनों तीनों उसके उद्देश्य कहलाएंगे। डी जो होगा आपने यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा, डी जो होगा इसका सही आंसर होगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, वैज्ञानिक सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को भी, वैज्ञानिक सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु एक विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाता है। यानी कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत को कोई स्पष्ट कर रहे हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत आप पढ़ा रहे हो उसको अगर आपको स्पष्ट करना है तो वैज्ञानिक सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए आप एक शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक हो तो आप क्या कर रहे हो कि साधारण सामग्री से, कोई जो नॉर्मल सामग्री है उनसे कोई सामग्री का निर्माण कर रहे हो, उस सामग्री को हम क्या कहेंगे दोस्तों? श्रव्य दृश्य उपकरण असुरचित नहीं होता दोस्तों, ये आशुरचित होता है। यहाँ पर जो सही शब्द होगा ना क्या हो जाएगा आपका, आशुरचित। आशुरचित उपकरण, क्रियाशील उपकरण या अस्थायी उपकरण, दोस्तों देखिए आशुरचित उपकरण ही कहेंगे हम इनको, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ये क्या कर रहा है कि साधारण सामग्री से निर्मित, नॉर्मल जो सामग्री बिखरी हुई आसपास में होती है उनसे लेकर के एक सिद्धांत सिद्ध करने की एक नई सामग्री बना रहा है, इसे कहते हैं आशुरचित सामग्री। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने आइडियाज लगा करके, अपने दिमाग से एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सामग्री का प्रयोग करना, वह जो सामग्री कहलाएगी ना वो कौन सी कहलाएगी आपके, आशुरचित उपकरण कहलाएगा दोस्तों। ये श्रव्य दृश्य उपकरण, क्रियाशील उपकरण या अस्थायी उपकरण नहीं होंगे। अध्यापक सामग्री स्वयं बना रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रियाशील को सही कर दो, नहीं होगा दोस्तों, आशुरचित उपकरण यहाँ पे सही होगा। इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है आपको छात्रों में, ये सब की आशु क्या कर दिया भाई सबकी जगह पे आशु, छात्रों में आशुरचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। आप यदि बच्चों के अंदर आशुरचित उपकरण निर्माण करें, बच्चों से आप आशुरचित उपकरण बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे कि बालक ज्यादा से ज्यादा के अंदर, बालक के अंदर आशुरचित उपकरण बनाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाए, कौन सी विधि बनाओगे? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या भाषण विधि। दोस्तों ध्यान रखना प्रदर्शन विधि भी इसका उत्तर नहीं होगा, प्रदर्शन विधि का मतलब कक्षा के अंदर प्रदर्शन किया जाता है। निगमन विधि या भाषण विधि, इसको आप इनडायरेक्टली ऐसे भी समझ लो, देखो निगमन विधि, प्रदर्शन विधि भी अध्यापक पर आधारित होती है, निगमन विधि भी अध्यापक पर आधारित होती है और भाषण विधि भी अध्यापक पर आधारित होती है। जबकि प्रश्न कह रहा है कि छात्रों में आशुरचित उपकरणों का निर्माण करना है, यदि छात्रों के अंदर करना है तो विधि भी कैसी होनी चाहिए, छात्रों पर आधारित होनी चाहिए ना। इन चारों विधियों में जो छात्रों पर आधारित विधि वो भी कौन सी मिली है, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के अंदर बालकों को या समस्या समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है, यहाँ पे बालक आशुरचित उपकरणों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर की बात करें भाई, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे। आप क्या हो रहा है कि आपके विद्यालय के अंदर बाहर से कोई चेकिंग आई है, कोई फ्लाइंग आई है, वो क्या कर रही है भाई, आपके विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है और आप किसी कक्षा के अंदर बैठ करके विज्ञान पढ़ा रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आप यदि विज्ञान पढ़ा रहे हो तो विज्ञान पढ़ाते समय आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, क्योंकि निरीक्षण हो रहा है, चेकिंग हो रही है, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे भाई, प्रदर्शन विधि का, परियोजना विधि का, समस्या समाधान विधि का या खोज विधि का? दिमाग लगाओ, खोज विधि का प्रयोग करोगे क्या? खोज विधि का प्रयोग करोगे तो बालकों को आपने काम दे दिया, बालक अब घूमते फिरेंगे, आप कक्षा के अंदर बैठे हो, निरीक्षण करने वालों पर आपका प्रभाव क्या जाएगा, गलत जाएगा। आप जब निरीक्षण करने के लिए आए ना तो आपका दिमाग एक ही तरफ चलेगा कि मैं जो चाहूंगी कक्षा के अंदर है ना हमारी सक्रिय सोच हो जाए, मतलब बालक भी मेरी तरफ से जुड़े हुए रहे और मैं बालकों की तरफ से जुड़ा हुआ, हम दोनों एक तरफ सक्रिय नजर आए, ऐसा आपकी कोशिश रहेगी। तो खोज विधि मतलब बालक चले जाएंगे तो आप क्या करोगे, समस्या समाधान विधि भी बालकों के ऊपर निर्भर करती है, बालक समस्या का समाधान करोगे तो आप खड़े रहोगे तभी आपका प्रभाव गलत पड़ेगा। परियोजना विधि तो 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि बालक घर पर काम करेंगे तो विद्यालय में हो रहा है,
लक्षण तो ये सही काम करेगी प्रदर्शन विधि, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्रिया बालक घर पे भी कर सकता है, कक्षा कक्ष से बाहर से भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन विधि जो है ना वो अध्यापक ही प्रयोग करेगा। और यहाँ पे पूछा ही गया भी, आप एक विद्यालय के विज्ञान टीचर के अध्यापक हैं, तो अध्यापक है तो आप किस विषय का प्रयोग करोगे, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा ना दोस्तों वो क्या आ जाएगा आपका प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का आप क्या करोगे वहां पे प्रयोग करोगे, ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्कूल साइंस की, कौन सा साइंस की भाई, स्कूल साइंस की मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। विद्यालय के अंदर एक पत्रिका आती है जिसका नाम है स्कूल साइंस, विद्यालय पर आधारित साइंस, जो नॉर्मल एक मैगजीन तो क्या कह सकते हो उसको, जो अपने छोटी छोटी जो बालांस टाइप की किताबें आती है ना उस टाइप की किताब आती है जो हर महीने निकलती है, तो स्कूल साइंस की मासिक पत्रिका इन संस्थानों में से कौन निकालता है भाई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। तो दोस्तों इसका तो उत्तर मुझे बताना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन कटेगा भी नहीं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका ए, ये जो स्कूल साइंस की जो मासिक पत्रिका है ना वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो की नई दिल्ली के अंदर स्थापित की गई है वो निकालती है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र का इस तरह कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर बनेगा ना दोस्तों वो क्या बन जाएगा भाई आपका ए जो होगा आप यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि प्रश्न प्रैक्टिकल ये थोड़ा सा, यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र को गर्म करते समय उसमें आग लग जाती है तो आप पहला काम होगा, यानी कि आप प्रयोगशाला के अंदर कोई प्रयोग कर रहे हो वहां पे कार्य करते समय ज्वलनशील तरल में भरे पदार्थ, ये कोई पदार्थ है जो जलने वाला पदार्थ है, तरल पदार्थ जो जलता है, तरल पदार्थ में गर्म कर रहे हो उसे, तो गर्म करते समय अचानक में उसमें आग लग गई, आग लग गई तो पहला काम आप क्या करोगे भाई, मदद के लिए चिल्लाएंगे दूसरे लोगों को आवाज लगाएंगे कि हाँ हमारी मदद कीजिए, यहाँ आग लग गई, या जलते तरल पर पानी डाल देंगे, गर्म गैस बर्नर को बुझा देंगे, या उस स्थान से बाहर चले जाएंगे। देखो मदद के लिए चिल्लाना अलग बात है, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आप खुद प्रयोग कर रहे हो प्रयोगशाला के अंदर, वो प्रयोगशाला पूरी की पूरी पैक होती है ना, आवाज आपकी बाहर जाने में दिक्कत होगी, चिल्लाओगे तो भी इतनी मदद नहीं मिलेगी, तो ये तो उसका उत्तर हो नहीं सकता भाई। जलते तरल पर पानी डालोगे, कैसे डालोगे, तरल पदार्थ तो काम का है, वैज्ञानिक किसी रूप में काम में ले रहे थे, आप उस पदार्थ में यदि पानी मिलाओगे दोगे ना तो पूरा का पूरा तरल पदार्थ क्या हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा, तो ये भी काम आप नहीं करोगे। गैस बर्नर को बुझा दोगे, इसको ठीक करो, उस स्थान से बाहर चले जाओगे, आप बाहर चले जाओगे तो प्रयोगशाला जल जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है उस चीज को सही करना, तो सही उत्तर होगा भाई गैस बर्नर, जिसके ऊपर वो चीज रखी हुई है ना उसको आप क्या कर दोगे बंद कर दोगे, वहां से ऊपर भाप लगनी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे तरल पदार्थ भी क्या हो जाएगा भाई आपका बुझ जाएगा। सही उत्तर जो यहाँ पे होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी जो होगा यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जो छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, ये क्या कहलाती है। ये कह रहा है कि कक्षा के बाहर संचालित, कक्षा के अंदर नहीं पूछ रहा है, कक्षा से बाहर पूछ रहा है, संचालित क्रियाकलाप जो छात्र, जिसमें छात्र अवलोकन भी करते हैं, जिसमें छात्र प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें छात्र खोज भी कर सकते हैं और तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भी करते हैं, ये क्या कहलाती है, विज्ञान क्लब कहलाती है, क्षेत्र भ्रमण कहलाता है, विज्ञान प्रयोगशाला कहलाती है या विज्ञान संग्रहालय कहलाता है। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और अवलोकन करते हैं, ये तो विज्ञान क्लब में भी हो सकता है, विज्ञान प्रयोगशाला भी हो, तो विज्ञान संग्रहालय भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने का मतलब उसको पहले प्राकृतिक वातावरण में तो जाना पड़ेगा ना, प्राकृतिक वातावरण में कब जाएगा, जब वो क्षेत्र भ्रमण के लिए जाएगा। बाकी ये तीनों काम तो सब में हो रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अवलोकन भी सब में कर सकते हो, प्रयोग भी सब में कर सकते हो और ना खोज भी सब में कर सकते हो, ये तीनों काम इन तीनों में हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने की यदि बात करें तो प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या केवल किसमें की जाएगी, आपके क्षेत्र भ्रमण में की जा सकती है दोस्तों। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। किरण उत्तर ढूंढने से पहले सबसे पहले ऑप्शन में जाकर के कभी मत उलझो, उलझना है तो प्रश्न में उलझो, प्रश्न में यदि उलझोगे तो आपके ये आपके शस्त्र कहलाते हैं, आप युद्ध में जा रहे हो, ये ऑप्शन आपके शस्त्र है, और जबकि ये प्रश्न जो है ना वो क्या है ढाल है, ढाल का मतलब क्या होगा, ये आपको सुरक्षा कवच है, ये मजबूत होनी जरूरी है, इन ऑप्शन में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके ऊपर वार प्रश्न करेगा, ऑप्शन नहीं करेंगे, इसमें तो सही उत्तर है, आप पर वार कौन करेगा, ये प्रश्न करेगा, तो इसको झेलने के लिए आपकी ढाल मजबूत होनी चाहिए, मतलब ये जो आपके ऊपर वार कर रहा है ना इससे आप घायल नहीं हो जाना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है,
प्रश्न को समझने की ताकत रखनी है दोस्तों। तो बी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरा लक्ष्य आपको यही है बस, एक तो आप प्रश्न को समझना सीख जाओ और दूसरा आप ऑप्शन काटना सीख जाओ, ये मेरे 2100 प्रश्नों की मेहनत वैसे सफल हो जाएगी। लेकिन कंटेंट जरूरी नहीं है कि इतना याद हो या ना हो, कंटेंट की तो भरमार पड़ी, कितना याद करोगे। वैज्ञानिक दिमाग लगाओ, अपना टेक्निकल दिमाग लगाओ, 1450 ग्राम का है ना पूरा का पूरा प्रयोग कर दो, 100% आपके उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वापस क्या कह रहा है, हम बार बार विज्ञान के बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे साइंस के क्वेश्चन लेकर क्या जाओ, ये आपके साइंस के आधार पर है। विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखना चाहिए। ये कह रहा है कि आप यदि किसी विज्ञान प्रयोगशाला का आकार कौन सा आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखना चाहिए। एक प्रयोगशाला का आप आकार निर्धारित कर रहे हो, इसमें से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उपकरणों का प्रकार। विज्ञान प्रयोगशाला पर निर्धारित प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय आकार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आधार होगा दोस्तों। आधार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखना चाहिए, उपकरणों के प्रकार, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों के प्रकार, उपकरण की कीमत और भंडार कक्ष की क्षमता। तो आप यदि एक विज्ञान प्रयोगशाला का आधार निर्धारित करते हो कि मुझे उस विज्ञान प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, किसको लेकर के जाना है, तो क्या उपकरणों के प्रकार कितने इस चीज का ध्यान रखोगे, या एक समय में आकार ही बिल्कुल सही है, आप उपकरणों के प्रकार के बारे में ध्यान रखोगे कितने उपकरण इसके अंदर आ सकते हैं, या फिर इस चीज का ध्यान रखोगे एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों के प्रकार, एक समय में काम करने वाले अधिकतम विद्यार्थी एक ही प्रकार के कितने हैं, या उपकरणों की कीमत या भंडार कक्ष की क्षमता। दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे ना वो इसमें रखोगे, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों के प्रकार, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम स्टूडेंट कितने हैं, उसके आधार पर क्या करोगे आकार निर्धारित करोगे भाई कि मुझे किस कक्षा को लेकर के जाना है। तो इनके आधार पर आकार नहीं, बी जो होगा आपके आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो होगा क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान में बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, विज्ञान की शिक्षण विधि की एक खासियत हो रही है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे। सबसे टफ आते भाई एसएसटी वालों के क्वेश्चन बड़े गजब गजब के आते हैं। परिक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होती है, क्योंकि एसएससी वालों को ये दिक्कत भी है, मार्केट में जितने लोगों ने शिक्षण विधि पढ़ा रखी है ना, शिक्षा शास्त्री मुद्दे इतना लेवल लेवल वाला पढ़ा रखा है ना, पढ़ा तो लोग पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन वहां से प्रश्न पुटअप नहीं होते, और जहां से प्रश्न नहीं आ रहे ना बोले कितने लेवल का पढ़ा दिया, क्या काम का दोस्तों, वहां से आना चाहिए प्रश्न। जैसे मैंने आपको प्रश्न पढ़ा रखा है 30 मिनट में, आप यूट्यूब पर सर्च करना, ऐसे कई बुद्धिजीवी लोग होंगे जिन्होंने मेरे से कई लाख गुना बेटर डेढ़ डेढ़ घंटे में प्रश्न आपको पढ़ा रखा होगा, लेकिन वो प्रश्नों पर नहीं जाते, मैटर प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। प्रक्रिया का मतलब क्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। विज्ञान के मुख्य संपत्ति वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक सिद्धांत या विज्ञान की परिभाषा। अरे परिभाषाओं से क्या क्रिया करोगे, सिद्धांत से भी कोई क्रिया नहीं करोगे, संप्रति नहीं, क्रिया की जाती है वैज्ञानिक विधि के द्वारा। ये कह रहा प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति सम्मिलित है तो वो वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रकृति प्रक्रिया की जा सकती है, इन तीनों के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा ना भाई बी निकलेगा, यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा ना वो क्या निकलेगा आपका बी निकलेगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की प्रक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की प्रक्रिया नहीं है। चार ऑप्शन में से मार्गदर्शन करना, मापन करना, आकलन करना या रटना। तो आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे ना, गणित कभी भी रटने के ऊपर बल नहीं देती दोस्तों, गणित का उद्देश्य है समझना, रटने के ऊपर कभी भी गणित बल नहीं देती है। गणित भी एक प्रकार की विज्ञान है, इसको हमेशा समझा जा सकता है दोस्तों, रटा नहीं जा सकता। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा ए सही होगा, बहुत ही नॉर्मल और गरीब प्रश्न था। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी। ये प्राथमिक स्तर पर नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक से ऊपर वाले लेवल पर यदि आपको गणित पढ़ानी है तो इनमें से कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी दोस्तों। व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम,
समस्या समाधान विधि या प्रदर्शन विधि। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, विज्ञान व्याख्यान विधि भी है ना, उच्च प्राथमिक स्तर वाले बालकों के लिए ज्यादा बेटर नहीं है। प्रदर्शन विधि भी यहाँ पर ठीक है, चलो उपयोग कर सकते हो, इतनी नहीं। इसे मत कर देना गतिविधि आधारित अधिगम। गतिविधि आधारित अधिगम जो होगा ना दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर पर सही हो सकता है छोटे बच्चों को। अब वो प्राथमिक स्तर से उनका लेवल बढ़ चुका है, हल्की फुल्की गणित जानते हैं, जानते मतलब उसको जो विधि सही लगेगी ना, वो लगेगी आपकी समस्या समाधान विधि। प्रदर्शन विधि गणित में कम काम आती है, विज्ञान में अधिक काम आती है। तो समस्या समाधान विधि जो होगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी आपके सही उत्तर की अपेक्षा करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। ये पूछ रहा है भाई, एक अच्छे विज्ञान शिक्षिका की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप, वैधता का मतलब जिस उद्देश्य का निर्माण किया है उसी उद्देश्य की पूर्ति करना, संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वैधता की संतुष्टि क्रियाकलापों के द्वारा या प्रयोगों के द्वारा हो जाती है दोस्तों। प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक या पर्यावरण संबंधी। तो ये देखो, पर्यावरण संबंधी इसका कोई लेना देना नहीं है, इतिहास का भी कोई लेना देना नहीं है, या तो ज्ञानात्मक होगी या प्रक्रियात्मक होगी। वैधता की बात करिए, क्रियाकलाप और प्रयोगों की बात करें ना, तो क्रियाकलाप का मतलब प्रक्रिया होगी दोस्तों, संज्ञानात्मक भी नहीं हो सकती। समझने की बात नहीं कर रहा है, केवल याद रखने की बात नहीं कर रहा है, ये बात किस चीज की कर रहा है, प्रक्रियात्मक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा ना आपका, क्या निकल जाएगा, ए आपका सही उत्तर निकल जाएगा भाई। ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका 100% सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, NCM 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार अच्छे विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। एक अच्छे विज्ञान की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, यानी कक्षा कक्ष की जो संस्कृति है, कक्षा कक्ष के जो नियम है उसके आधार पर होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठावान होने वाली होनी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठावान वाली होनी चाहिए, या विद्यालय के वातावरण के प्रति होनी चाहिए। दोस्तों मैंने कहा ना, शिक्षा का आधार एनसीएफ 2005 ने बाल केंद्रित कर दिया है कि जितना भी कुछ भी होगा वो बच्चों के आधार पर होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो सही निकलेगा आपका सी निकलेगा भाई, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की संस्कृति के प्रति निष्ठ होने से, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ होने से, या विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा ना वो क्या निकलेगा आपका, सही उत्तर निकलेगा भाई, कि बच्चे के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठ होनी चाहिए। ये देखिए अगला प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में भाई, किसके क्षेत्र में पूछ रहा है ये, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। विज्ञान में जो घूमने के लिए लेकर के जाता है, क्योंकि विज्ञान की जो शिक्षण विधि है पर्यटन विधि, वो पर्यटन विधि भी मुख्य मानी जाती है विज्ञान के और पर्यावरण के अंतर्गत। तो दोस्तों ये कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये विज्ञान वाले फर्स्ट लेवल वाले भी ध्यान देना, फर्स्ट लेवल वाले के भी ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि विज्ञान उनके भी आती है। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, वह सीखने वाले और जिनके सेकंड लेवल में ना सामाजिक वाले, इसको ऐसे समझ लेना, सामाजिक के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तर दोनों का एक ही निकलेगा। ये कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में घूमना ले जाना क्यों महत्वपूर्ण है, यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है, ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी एकत्रित करता है। ये बात ठीक है, विज्ञान की जानकारी भी करता है, इसका संचालन आसान है, आसान तो नहीं है, घूमना ले जाना मुश्किल काम है। यह सीखने वाले मेहनत की आदत का विकास, सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है, कि हार्ड वर्क करना चाहिए इस आदत का विकास करता है, इसलिए घूमने लेकर के जाओगे नहीं। यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो अपन को दिख रहा है बी वाला दिख रहा है, ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करते हैं। आप घूमने लेकर के जाओ, अपने आप काम करो, अपने हाथ से प्रत्यक्ष कार्य करो, जिससे आपको जो अनुभव प्राप्त होंगे वो आपके लिए स्थायीकरण के लिए, आपके ज्ञान का अधिगम का स्थायीकरण के लिए उपयोगी होंगे। यहां पे जो अपन सही उत्तर निकालेंगे ना वो भी क्या निकालेंगे भाई, बी सही उत्तर निकल जाएगा। बी जो होगा क्या होगा, यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, गणित पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है। गणित की पाठ्यचर्या का यदि आप निर्माण कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा होगा, उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या जटिलता से सरलता का सिद्धांत। सबसे पहले तो इसको काटो, जटिल से सरलता का सिद्धांत हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा भाई अनुकरण का सिद्धांत, भाई गणित समझ पर आधारित होती है, इतनी अनुकरण भाषा थोड़ी जो अनुकरण से सीख जाएगा। गणित ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर बल देती है, सीखने के बाद सीखी जाती है। तत्परता का सिद्धांत, जल्दबाजी में गणित में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होगा, इस पर भी ध्यान दोगे तत्परता का, लेकिन इतना नहीं दोगे।
उपयोगिता का सिद्धांत, भाई इस पाठ्यचर्या का हम निर्माण कर रहे हैं, गणित में ये चैप्टर हम जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, बालक के व्यवहारिक जीवन में ये कहां काम आने वाला है। तो सर्वाधिक यदि आप मुख्य सिद्धांत पर जो बल दोगे ना, किस पर दोगे आप, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल दोगे। तो यहां भी जो आपका उत्तर सही होगा ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक निर्मित आशुरचित, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, पर मुझे पता है कि लगभग बच्चे ना इसका गलत आंसर सोच रहे हैं कि शिक्षक निर्मित आशुरचित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है। शिक्षक यदि किसी उपकरणों का, असुरक्षित उपकरणों का निर्माण कर रहा है तो बालक के अंदर किसका विकास होगा भाई, कौशल का, अवबोध का, निदान का या ज्ञान का। देखो ज्ञान का तो हटा दो, उपकरण की बात आ रही है यहाँ पे, निदान का तो कैसे होगा, ये बालकों के अंदर विकास करने की बात कर रहा है, निदान का विकास कैसे होगा, समस्या का विकास कैसे हो सकता, समस्या का विकास कभी नहीं हो सकता, ये दोनों कट गए भाई। अब बताए अवबोध का और कौशल का, सबका आंसर जा रहा होगा कौशल का विकास होगा, उपकरण बनाने में कुशलता सीखेंगे बच्चे। अरे कुशलता का मतलब होता है जब बालक स्वयं यदि उपकरणों का निर्माण कर रहा है ना, तब उसके अंदर कुशलता आएगी। ये तो ये कह रहा है कि शिक्षक निर्मित असुरक्षित उपकरणों से छात्र किसका विकास होगा, अरे छात्र के अंदर अवबोध का विकास होगा। छात्र है ना क्या करेंगे, उन सामग्री में और दूसरी सामग्री में अंतर, तुलना, व्याख्या करना सीख जाएंगे। तो उनमें जो विकास होगा ना, अवबोध का होगा, कौशल का नहीं होगा। कौशल का विकास तो तब होगा जब बालक स्वयं असुरक्षित उपकरणों का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा ना भाई आपका बी आ जाएगा, बी आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गणित, ये तो परिभाषा है भैया, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किस गणितज्ञ का है। दोस्तों गणित के अंदर हर बार परिभाषा पूछी जा रही है, इसलिए साइंस मैथ्स वाले और फर्स्ट लेवल वाले गणित की परिभाषाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसकी परिभाषा थोड़ी बहुत अच्छी भी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यानी कि सारी की सारी विज्ञान केवल गणित के ऊपर निर्भर करती है। यह बात कहने वाला कौन सा शिक्षा शास्त्रीय गणितज्ञ था, रोजर बेकन, यंग, लेबनिज या पाइथागोरस। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सबने दिमाग में आ ही गया होगा, रोजर बेकन जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये परिभाषा जो दी थी भाई किसने दी थी, रोजर बेकन ने दी थी, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी आया हुआ है, सजगता के विकास में किस क्रिया का सर्वाधिक योगदान होता है। भाई ऐसे कौन सी क्रिया है जिसमें सर्वाधिक आप सजग रहोगे, सजग मतलब गलती करने की, छोटी छोटी चीजों से बचोगे, कहीं गलती ना हो जाए, सजग रहोगे। तो सजगता के विकास में किस क्रिया का योगदान है भाई, लिखित कार्य में आप सजग रहोगे, प्रोजेक्ट कार्य में रहोगे, ग्रह कार्य में रहोगे या मौखिक कार्य में रहोगे। दोस्तों मौखिक सजगता की बात करना आप बोल रहे हो, मौखिक कार्य में इतने सजग नहीं रहोगे, मेरी कोई गलती नहीं निकल जाए, इतना ध्यान नहीं देते अपन। ग्रह कार्य करते वक्त भी इतना ध्यान नहीं देते भाई, देख करके लिख देते हैं या इतना ध्यान नहीं देते, लिखित कार्य में भी इतना ध्यान नहीं देते। सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट कार्य। यदि आप प्रोजेक्ट का कोई कार्य करो, घर पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट भी आपको नंबर मिलने वाला है और आपको पता है कि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है भाई, खराब हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा आपका, बी सही उत्तर निकल जाएगा भाई, बी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी, आवाज गूंज रही है, इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्द करेंगे, शुरू शुरू में नहीं थी, कुछ कारण बस प्रॉब्लम हो गई ना, तो थोड़े दिन एडजस्ट कीजिए ना, एक दो दिन के अंदर इसका समाधान निकालते हैं, तब तक थोड़ा देखना पड़ेगा। तो गणित में मंद अधिगमकर्ता विद्यार्थियों को मदद करने का प्रभावी तरीका है, यानी कि गणित पढ़ रहे हो, इसमें कोई बालक है जो मंद गति से अधिगम कर रहा है, धीमी गति से सीख रहा है, तो इस विद्यार्थी को मदद करने का सबसे बढ़िया तरीका इनमें से कौन सा रहेगा भाई, लगातार टेस्ट लिया जाए, बालक का प्रतिदिन टेस्ट लो, क्या वो अधिगम करना तेज सीख जाएगा। ऐसे लड़कों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करो, अलग से उनकी कक्षा लगाओ, उन सभी को अलग से कक्षा में रखा जाए, या सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गतित नहीं गणित कार्य में गणित कार्य में लगाया जाए जिससे उन्हें सफलता हासिल हो सके। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे ना, वे उनके लिए अलग कक्षाएं लगाई जाए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सही उत्तर ये निकलेगा कि सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणित कार्य में। ऐसे कोई काम आप पहले से फिक्स कर दो जिनके अर्थ भी निश्चित हो और जिनकी प्रक्रिया भी निश्चित हो, ऐसे कोई गणित के कार्य फिक्स कर दो और बालक को क्या करो उस काम में लगा दो, ताकि बालक उस काम को भी करता रहेगा, सीखता भी रहेगा और धीरे धीरे उनको सफलता हासिल करने में क्या मिल जाएगी, सहायता भी मिल जाएगी, गणित के प्रति उनका अधिगम स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी चला जाएगा। यहाँ पे जो उत्तर की सही संभावना है ना दोस्तों, डी सही होगा भाई आपका उत्तर, क्या सही हो जाएगा, डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी वापस एक परिभाषा पर आधारित प्रश्न आ गए हैं आपका, कि गणित, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों। ये गणित वह विज्ञान है
जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिद्धांत के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। यह कथन किसने दी थी? रोजर बैंकन ने, लोक ने, बेंजामिन ने या रसल ने? ये परिभाषा, इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन। है ना, बेंजामिन ने जो इसकी ये परिभाषा दी है, आपकी गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यकता के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो परिभाषाओं में तो कोई समझने जैसी बात ही नहीं है। सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भाई। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? भाई गणित सार्वभौमिक विषय है, गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है, गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित है, गणित में अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की जाती है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है दोस्तों। तो गणित की प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो गणित सार्वभौमिक विषय है, ये गणित की प्रकृति है। सार्वभौमिक का मतलब सब जगह गणित एक जैसे चलती है। आप यहां रह करके गणित पढ़िए, आप अमेरिका में जाकर के गणित पढ़िए, 2+2=4 ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में 4 हो रहा है तो आप अमेरिका में जाओगे तो 6 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए गणित क्या है? सार्वभौमिक विषय, ये तो प्रकृति है। गणित प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है, बिल्कुल ये भी इसकी प्रकृति है। ये कह रहा है गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। नहीं होता भाई, सामान्यकरण करने का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। कोई एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना कोई सवाल, उसका एक ही तरीका नहीं होता कि सवाल को इस तरीके से करो, कई तरीके होते हैं उसको हल तक पहुंचने के। तो इसका संकुचित नहीं होता दोस्तों, इसका विस्तृत होता है। ये कह रहा है प्रकृति को नहीं दर्शाता है, ये सी वाला नहीं दर्शाता दोस्तों। बाकी गणित अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या करता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तीनों गणित की प्रकृति है, ये सी वाली जो है गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है भाई। सी क्या हो जाएगा आपका यहां पर? सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वास को दूर करने का विचार किसने दिया था? कि समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास करो और अंधविश्वास को क्या करो भाई? दूर करो। ये बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मुदालिर आयोग ने या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? तो दोस्तों मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं कि समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास और अंधविश्वास को दूर करने की जो बात कही है ना दोस्तों, वो कही थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। जो नई शिक्षा नीति आई थी ना, उन्होंने कहा कि समाज के अंदर व्याप्त रूप से अंधविश्वास फैल गया है, आप विद्यालय के अंदर क्या करो कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करो, जिससे क्या हो भाई धीरे धीरे अंधविश्वास क्या हो जाए, समाप्त की ओर चले जाए। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अंधविश्वास को समाप्त करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने की बात किसने कही थी दोस्तों? यहां पर सिंपल सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, बी ने ये बात कही दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला सुरक्षा का उपकरण नहीं है? प्रयोगशाला सुरक्षा का मतलब ऐसी कोई चीज की प्रयोगशाला में दुर्घटना हो गई जिससे बचा जा सकता है। इनमें से कौन सी चीज है जो प्रयोगशाला को सुरक्षित नहीं रखती या सुरक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? ये पूछा है अग्नि शमन यंत्र, ये तो बिल्कुल जरूरी है। वो जो साइड में कैटली टाइप का लगा हुआ होता है, बॉक्स टाइप टंकी टाइप का लगा हुआ होता है, वो क्या है? टैंक जो लगा हुआ होता है, अग्निशमन यंत्र। तो अग्निशमन यंत्र तो जरूरी है, किसी कारणवश आग वाग भी लगी तो किसके द्वारा बुझाओगे? ये तो आवश्यक है। मिट्टी से भरी हुई बाल्टी, ये भी सही है, मिट्टी की भरी हुई बाल्टी भी आग बुझाने में क्या आती है, काम आती है। कंबल बिल्कुल जरूरी है, प्रयोग करते समय मान लो किसी ने आग वाग पकड़ लिया, बच्चों के कुछ हो गया, जल बल गए, तो कंबल के द्वारा एक बार उसको शरीर को लपेट करके क्या हुआ, बचा जा सकता है। या पूरी प्रयोगशाला में कुछ आग वाग लग जाए तो आप कंबल को ओढ़ करके काम कर सकते हो, वहां से बाहर निकल सकते हो, ये भी जरूरी है। गत्ते का डिब्बा जो है ना, ये जरूरी नहीं है, ये सुरक्षा को नहीं दर्शाता है। डी जो है यहां पे क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर उसका उद्देश्य नहीं है, प्राइमरी लेवल पर वो उपयोगी नहीं है? देखो, गणित में रुचि का विकास करना, जीवन के विभिन्न व्यवसाय से संबंधित समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो सके, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके, शीघ्रता व शुद्धता से गणना करना सीख सके। तो प्राथमिक लेवल पर ये चीज तो आप सिखाते हो कि बालक तेज गति से शुद्ध क्या करे, गणित की गणना कर दे, ये तो है भी। गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश कर सके, इसलिए गणित को पहले सरल रूप में सिखाई जाती है ताकि बालक धीरे 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 गणित के प्रति क्या आ जाए, सरल रूप से आ जाए, गणित के अंदर प्रवेश कर ले, उसके बाद में कठिन चीजें भी अपन क्या करेंगे, उसको सिखा देंगे, ये भी सही है भाई।
जीवन के विभिन्न व्यवसाय से संबंधित समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना ये प्राइमरी लेवल का उद्देश्य नहीं है। ये जब आप बड़ी कक्षाओं में चले जाओगे ना तब ये इसका उद्देश्य बन जाएगा कि व्यवसाय में लेकर के बिजनेस में लेकर के यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी समस्या समाधान गणित के तरीके से कैसे की जा सकती है। ये प्राइमरी लेवल का उद्देश्य नहीं है, माध्यमिक स्तर पर उच्च कक्षाओं के लिए हो सकता है। गणित में रुचि विकसित करना ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों तो प्राथमिक स्तर के उद्देश्य जो बी वाला है ना दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा ना भाई क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अनुदेशन उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अनुदेशन उद्देश्यों के निर्धारण के समय दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की, आप किसी को अनुदेशित कर रहे हो, आदेशित कर रहे हो, उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हो, अनुदेशित उद्देश्यों के निर्धारण के समय कौन से चीज का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। क्या विद्यार्थियों के स्तर का, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान का, कक्षा कक्ष के आधार का, या शिक्षण अधिगम की स्थितियों का। दोस्तों तो अनुदेशन जो दोगे, आदेश जो दोगे, विद्यार्थियों का स्तर भी आपको पता होना चाहिए, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान भी आपको पता होना चाहिए, शिक्षण अधिगम की स्थिति क्या है, किस प्रकार से बालक सीख रहा है, सीखने की गति क्या है, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान किसी चीज की यदि जरूरत नहीं है ना दोस्तों वो है कक्षा कक्ष का आकार, कक्षा कक्ष के आकार की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। देखिए सवाल हल करना एक भाग है, सूत्र याद करना एक भाग है, यहाँ दोनों ऑप्शन सी और डी में से एक सही होगा कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। समस्या का हल तभी कर पाएगा जब वो तार्किक ढंग से सोचेगा। तो इससे पहले की क्रिया सी वाली है, तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा ना आपका सी वाला हो जाएगा। दोस्तों मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रक्रम नहीं है, इसमें से गणित का प्रक्रम कौन सा नहीं है। दोस्तों पक्षांतर, मानस दर्शन, कंठस्थ करना या आकलन करना। दोस्तों पक्षांतर करना, चेंज करना भाई गणित की प्रकृति है, मान दर्शन करना वो भी इसकी प्रकृति है भाई, आकलन करना बिल्कुल मूल्यांकन करना गणित, कंठस्थीकरण के ऊपर गणित कभी बल नहीं देती दोस्तों, गणित समझने के ऊपर बल देती है। यहाँ पे भी जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, सी जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या निकलेगा भाई सही निकल जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है आपको, कविता का मुख्य लक्ष्य है, कविता जो आप बालकों को सुना रहे हो, कविता जो आप कक्षा के अंदर पढ़ाई जाती है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन टारगेट यहाँ का क्या है भाई, शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण दोषों को सुधारना, भाषा एवं सहानुभूति करना या कविता का सरलार्थ करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना भी उद्देश्य है, कविता के माध्यम से शब्द भंडार में इतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी गद्य शिक्षण से होती है, तो शब्द भंडार के लिए गद्य शिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चारण दोषों को सुधारना ये भी हो सकता है, भाषा एवं सहानुभूति करना ये तो नहीं होगा, कविता का सरलार्थ करना, कविता शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, यही है कि कविता का सरल अर्थ निकाल करके बालक उसको ग्रहण कर ले, या मुख्य लक्ष्य की बात ये भी इनके लक्ष्य है, लेकिन मुख्य रूप से जो लक्ष्य है ना वो कौन सा है भाई, यहाँ पे डी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। मुख्य लक्ष्य ये कविता का बालक क्या करे, सरल रूप निकाल देना, सरल रूप निकाल करके बालक क्या करे उस चीज को समझ ले, तो सही उत्तर जो होगा आपका क्या हो जाएगा डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, इतिहास को जानने का साधन है, इनमें से किसके द्वारा इतिहास का पता लगाया जा सकता है। शिलालेख, जो पत्रों के ऊपर जो लेख लिखे हुए होते, तो प्राचीन सिक्के, पुराने समय में जो सिक्के चलते थे वो ताम्रपत्र, ताम्रपत्र तो मेन माना जाता है दोस्तों, पता है आपको ताम्रपत्र के द्वारा ही तो इतिहास का पता चला है, सर्वाधिक पता जो इतिहास का चला है किसके द्वारा चला है, ताम्रपत्र का, पुराने जमाने में केवल ताम्रपत्र लिखे जाते थे। तो ये तीनों के द्वारा आप इतिहास का पता लगा सकते हो, यहाँ पे सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, सभी जो है ना इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, स्रोत संदर्भ विधि या कहानी विधि। ये कहानी विधि, स्रोत विधि या व्याख्यान विधि नहीं करती दोस्तों, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का अनुसरण करती है। प्रजातांत्रिक मतलब जो आप लोकतंत्र में रह करके, समाज में रह करके जो आप सीखते हो उन सिद्धांतों के आधार पर कौन सी विधि का उपयोग करते हो। वाद विवाद जब भी होता है ना तब आपके प्रजातांत्रिक मूल्यों का उपयोग होता है, तब आप सिद्धांतों की बात करते हो दोस्तों। यहाँ पे तो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा आपका, वाद विवाद विधि।
दी, ए जो होगा यहाँ पे क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई? ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा रखा है। देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन की साक्षियों का आंकलन होता है, पक्षियों का नहीं है, क्या लिखा हुआ? साक्षियों का, साक्षी होगा भाई यहां पर जो सही शब्द होगा ना, साक्षियों का संकलन कहलाता है। यानी कि विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसके साक्ष्य सबूत का जो संकलन होता है किसके द्वारा करते हो आप? मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, उद्देश्य या लक्ष्य। उद्देश्य तो पढ़ाने के लिए निर्भर करते हैं, अधिगम अनुभव बालक ने कितना सीखा है, लेकिन उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसका सबूत आप किसके द्वारा प्राप्त करोगे? मूल्यांकन के द्वारा। देखो इसके व्यवहार में इतने परिवर्तन आए, ये 100 में से केवल 20 नंबर ला पाया, 30 नंबर ला पाया, ये जो पता चलता है ना आपको मूल्यांकन के द्वारा चलता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना भाई क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा साक्षियों का संकलन किया जाता है, साक्षियों को एकत्रित किया जाता है, सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, विद्यार्थी के अंदर जो चेंजेस आता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शिक्षण विधियां या मूल्यांकन। दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन में इन दोनों को काट दो, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन कोई चीज नहीं होगी, इन दोनों में से एक होगा, या तो प्राप्य उद्देश्य होगा या सामान्य उद्देश्य होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, आप जो व्यवहारगत परिवर्तन करते थे ना वो प्राप्य उद्देश्य के आधार पर करते थे, यानी प्राप्य उद्देश्य को कहते थे विशिष्ट उद्देश्य कह दो या प्राप्य उद्देश्य कह दो, सॉरी दोनों एक ही बात है, चाहे विशिष्ट उद्देश्य के दो चाहे प्राप्य उद्देश्य के दो, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ना आपका प्राप्य उद्देश्य होगा। प्राप्य उद्देश्य के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, या परिवर्तन के लाने को क्या कहेंगे भाई? प्राप्य उद्देश्य कहेंगे। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर निकलेगा वह ए निकलेगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक को बच्चों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, 100% उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, पूरा ध्यान अध्यापक को रखना पड़ता है? ब्रह्मण विधि में, कहानी कथन विधि में, समस्या समाधान विधि में, उपयुक्त विधि में। देखो समस्या समाधान और कहानी कथन विधि में कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, इतना उत्तरदायित्व नहीं होता है। मेन ब्रह्मण विधि में पूर्ण रूप से जिम्मेदारी यदि अध्यापक को कहीं निभानी पड़ती है ना, ब्रह्मण विधि में निभानी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मण विधि में यदि शिक्षक उत्तरदायित्व पूरा नहीं निभाएगा ना तो वहां पर घटनाओं दुर्घटनाओं की संभावनाएं बन सकती है ना, खतराओं की संभावना बन सकती है, मनोरंजन के कारण शिक्षा के ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ब्रह्मण विधि के अंदर अध्यापक को पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। तो यहां पे भी जो आपका सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा भाई? ए सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आज का आपका अगला प्रश्न, पर्यटन, ये सामाजिक विज्ञान हम लोग का, पर्यटन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, पर्यटन से मनोरंजन होता है, अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। भाई सामाजिकता का विकास तो होता है भ्रमण के द्वारा, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है, अध्यापक के लिए सुविधाजनक होता है। क्या सुविधाजनक होगा? ये और दिक्कत है बच्चों को घूमने के लेकर के जाना, इतनी व्यवस्थाएं करनी, दिक्कत जैसी बात है। पर्यटन मनोरंजक, पर्यटन जो होता है मनोरंजक होता है, आनंद के लिए होता है, नहीं होता शैक्षिक भ्रमण होता है, इतना आनंद के लिए नहीं, उसके पीछे रीजन होता है। प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, यहाँ पे जो मेन से उत्तर निकाल रहा है दोस्तों क्या निकाल रहा है आपका? बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है जिसका उसका ज्ञान क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। इसीलिए पर्यटन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी जो आपका उत्तर सही होगा ना क्या हो जाएगा भाई? ए आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, मॉडल का प्रयोग किया जाता है जहां पर, ये कह रहा है मॉडल का प्रयोग कहां किया जाता है? मूल वस्तु नहीं दिखाई जा सके, कक्षा को अनुशासित रखने के लिए, भाषण देते समय या उपयुक्त सभी, भाषण देते समय या उपयुक्त सभी नहीं, अनुशासित रखने के लिए भी नहीं। दोस्तों मॉडल का प्रयोग आप तब करोगे जब वास्तविक वस्तु प्रस्तुत नहीं की जा सकती। जब आप वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत नहीं कर सकोगे, मूल विषय वस्तु जहां पर नहीं दिखाई जा सकती ना, उस विषय वस्तु का आप मॉडल रख दोगे। जैसे हाथी है, हाथी आप कक्षा के अंदर नहीं दिखा सकते, अब उसका मॉडल दिखा सकते हो ना, तो मॉडल का जो प्रयोग करोगे मूल विषय वस्तु कक्षा के अंदर नहीं ला जा सकती। जहां पर मूल विषय वस्तु या वास्तविक पदार्थ नहीं दिखाया जा सकता ना, वहां पर मॉडल का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी आपका उत्तर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यार्थी की विषय वस्तु संबंधित
ज्ञान जानने के लिए किस उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछेंगे? बालकों को विषय वस्तु से संबंधित आपने जो पढ़ाया है वो बालक ने कितना सीखा है, विषय वस्तु से संबंधित यदि आपको बालक ने कितना सीखा इस चीज की पता लगाना है तो आप कौन से उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछेंगे? रुचि पर, ज्ञानोपयोग पर, अवबोध पर या ज्ञान पर? प्रश्न क्या करें, विषय वस्तु संबंधित ज्ञान पर। जो आपने पढ़ाया है वो बालक ने कितना सीखा है उसका जानने के लिए तो ज्ञानात्मक प्रश्न पूछोगे कि कितना उसने ज्ञान की प्राप्ति की है, तभी तो उत्तर करेगा ना। अवबोध, ज्ञान, उपयोग, रुचि, ये तो बच्चा सीखने के बाद की गतिविधि करेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। ये थी दोस्तों आज की अपनी प्रश्नावली भाई। आज की प्रश्नावली में अपन ने 1200 प्रश्नों का सफर तय कर दिया दोस्तों। 1200 प्रश्न जो है ना अपन ने यहाँ पर पूरे कर दिए, और मुझे यकीन है जैसे जैसे 50-50 प्रश्न प्रतिदिन बढ़ते जा रहे ना, वैसे वैसे आपके मैसेज मुझे बताते रहते हैं कि आज हमारे क्विज में हमारी रैंक बढ़ गई है, मैं 120 प्लस सही करने लगा हूं, मैं ऑप्शन काटने लगा हूं, सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास में और सब कुछ मैं पढ़ता हूं। अच्छी बात है, मेरा टारगेट भी यही है, आप 2100 तक देख लेना, 2100 के बाद मेरा आप आंख बंद करके प्रश्न सामने आया आपको नहीं भी आ रहा होगा ना तब भी आप उसका उत्तर निकालना सीख जाओगे, क्योंकि ऑप्शन काटना और प्रश्न को समझना ये दो जो मेरा टारगेट है 2100 प्रश्न तक वो मैं करके रहता हूं। इसीलिए मैं एक एक प्रश्न को इतनी ईमानदारी से इतनी धीरे धीरे तरीके से सिखाता हूँ दोस्तों। तो आप बराबर इन क्लासों को अटेंड करते रहिए, साथ साथ में जब भी आपको टाइम मिले तो चैनल के ऊपर देखते रहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम आपकी पहली वाली क्लासे डिलीट कर देते हो, क्या नहीं करते दोस्तों, चैनल पर जाकर के चैनल में जाकर के वीडियोस के ऊपर क्लिक करना, वीडियोस पर जाओगे वो सारी की सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएगी, प्रश्नोत्तरी की भी मिल जाएगी, थ्योरी क्लासेस की भी मिल जाएगी। तो थ्योरी क्लासेस भी आप साथ साथ में जैसे जैसे आपको टाइम मिले ना दोस्तों देखते रहिए। थ्योरी क्लासेस में बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक जिनको 2-2 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है ना वो भी मैं 30-30 मिनट, 35-35 मिनट, 40-40 मिनट में पूरे कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने सीसी तक आपको 40 मिनट के अंतर्गत पढ़ा दिया है, तो ध्यान रखना बड़े सा बड़ा टॉपिक भी हो रहा है ना, मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कितना जल्दी आपको पढ़ा सकूं बड़े तरीके से वो पढ़ा रहा हूँ। तो थ्योरी क्लास भी देखते रहिए, प्रश्नों को अटेंड भी करते रहिए और अपनी तैयारी को और जोर से बनाते रहिए। मिलते हैं अगली बार नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए आपको मंगलमय कामना और राधे राधे।